दोस्तों, क्या आप जानते हैं शब्बीर कुमार एक बहुत अच्छे पेंटर भी हैं। शब्बीर कुमार एक बहुत अच्छे सिंगर तो हैं ही, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक उम्दा पेंटर भी हैं। उनके हाथ की बनाई हुई कुछ ऐसी पेंटिंग्स हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और ये पहचानना मुश्किल होता है कि ये रियल फोटो से डिफरेंट हैं कि नहीं। तो ऐसी ही कुछ पेंटिंग्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये मोहम्मद रफ़ी साहब की पेंटिंग, जब वो हज पर गए थे और ये फ़ोन पर बात करते हुए, लगता है कि जैसे ये पेंटिंग नहीं एक रियल फ़ोटो है। उसके बाद ये शानदार पेंटिंग रफ़ी साहब, म्यूज़िक डायरेक्टर उषा खन्ना जी और साथ में हरफन मौला किशोर कुमार जी। शब्बीर साहब किशोर दा को भी बहुत पसंद करते थे, ये रियल फ़ोटो भी आपने अक्सर देखा होगा। और ये शानदार हाथ का कमाल सिंगर मुकेश जी मुस्कुराते हुए, शब्बीर कुमार जी ने इसमें भी अपने हाथ का बहुत शानदार हुनर दिखाया है। अब देखिए शब्बीर कुमार की बहुत पसंदीदा सिंगर लता मंगेशकर जी की शानदार पेंटिंग्स। ये पेंटिंग शब्बीर कुमार खुद लता जी को देना चाहते थे, उनको प्रेजेंट करना चाहते थे, और वो उनके घर देने गए भी थे, लेकिन जब लता जी के घर पहुंचे तब कोविड की वजह से शब्बीर कुमार से लता जी नहीं मिल पाई, क्योंकि उन दिनों में लता जी किसी से भी नहीं मिल रही थी। शब्बीर कुमार जी लता जी से मिलकर एक बहुत अहम बात करना चाहते थे। शब्बीर कुमार लता जी से ये कहना चाहते थे कि अगर वो लता मंगेशकर होते, अगर शब्बीर कुमार लता मंगेशकर होते तो कभी भी शब्बीर कुमार के साथ गाना नहीं गाते। ये तो लता जी थीं जिन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए शब्बीर कुमार के साथ फिल्म बेताब में गीत गाया। शब्बीर कुमार जी का कहना है कि उन्होंने कभी गाना सीखा नहीं था, और ये लता जी का बड़प्पन था कि उन्होंने उनके साथ गीत गाया और वो गाना इतना बड़ा हिट साबित हुआ, और लता जी ने शब्बीर कुमार जी की इस गाने में बहुत हेल्प भी की थी। गाने के बोल थे, बादल यूं गरजता है डर कुछ ऐसा लगता है। ये सारी पेंटिंग शब्बीर कुमार जी ने 2020 में बनाई थी, क्योंकि उन दिनों में कोविड चल रहा था, और ये सारी इन्फॉर्मेशन शब्बीर कुमार जी ने ही खुद अपने एक प्रोग्राम में शेयर की थी। मुझे लगा ये बात आपके सामने रखनी चाहिए। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।